डियर स्टूडेंट्स, अभी 1 मिनट बाकी है, हमें भी और बच्चे आएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट आप वेट करेंगे। तो आज मैं पहले किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकती हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है? तो सब बच्चे नजर मारिए पेज नंबर 68 को कि कल हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हम 69। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास का टाइम जो है वो शुरू हो गया। अहमद, रोल नंबर 11। बेटा बताइए, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया? पोल्यूटेड आयर। अच्छा, पोल्यूटेड आयर, ठीक है। साफ सुथरे वाले। अब मैं जिस बाकी सब बच्चे म्यूट पर रखेंगे, अब जिस बच्चे से मैं पूछूंगी, खाली वही बच्चा क्या करेगा, जवाब देगा, बाकी बच्चे म्यूट पर ही रखेंगे। पिज़्ज़ा, रोल नंबर 5। यस मैम। बेटा बताइए कि जो एयर है वो किन चीजों से पल्यूट हो जाता है? मैम, अगर हम ये गाड़ी चला देंगे उससे एयर गंदा हो जाएगा। हाँ जी, और हम अगर घर सफाई करते होंगे उससे भी एयर गंदा हो जाएगा। वेरी गुड। आप मुझे बता सकती हो जो गाड़ी है उसकी वजह से कैसे एयर पोल्यूट हो जाता है? क्योंकि उससे गंदा आयर निकलता है। शाबाश, क्योंकि उसमें से आलूदगी निकलती है, वो पॉइजनियस गैस होता है जिस वजह से आयर पल्यूट हो जाता है। वेरी गुड। आप अब म्यूट पर रखिए। अब यहाँ पर अकील, रोल नंबर 35, आप अनम्यूट कीजिए। यस मैम। बेटा बताइए, अगर एयर पल्यूट हो जाता है उससे क्या प्रॉब्लम होती है? अगर हम सांस लेते हैं गंदी एयर की तो हम बीमार पड़ जाते हैं। शाबाश, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर हम बीमार पड़ जाएंगे, क्या वो किसी और को भी उसका असर हो जाएगा, किसी और इंसान को भी? अगर हो जाएगा असर, दूसरा इंसान भी हमारी वजह से बीमार हो जाता है, तो आप मुझे बता सकते हो कि रीजन क्या है, कि किस तरह से वो दूसरा बंदा भी बीमार हो जाता है? ना, फिर जर्म्स हवा में मिक्स, जर्म्स हवा में ये फैल जाते हैं। वेरी गुड, शाबाश। हाजिम, रोल नंबर 33। यस मैम। बेटा बताइए, किन चीजों से आयर जो है वो पोल्यूट हो जाता है? मैं फैक्ट्री। हाँ जी, थैंक यू, वेरी गुड। और कार। और कार। शाबाश, कार से, फैक्ट्री से, और भी है वो मैं किसी और बच्चे से पूछ। आयान सजाद, रोल नंबर 40। हाजिम अब्बास, आप म्यूट पर रखिए। आयान सजाद, आप अनम्यूट कीजिए। आयान सजाद, आयान, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बेटा बताइए, बेटा बताइए, फैक्ट्रीज और कार के बगैर और कौन से रीजन से जिसकी वजह से आयर जो है वो पल्यूट हो जाते हैं? मैंने बोला गाड़ी, फैक्ट्री, बाकी बच्चे म्यूट पर रखेंगे।
गाड़ी और फैक्ट्री के बगैर और कौन सी वजह है जिस वजह से जो एयर है वो पल्यूट हो जाता है? अदीबा आप बताइए, अदीबा महराज। यस मैम। बताइए बेटा, गाड़ी और जो फैक्ट्रीज है उसके बगैर कौन सी वजह है जिस वजह से जो एयर है वो पल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है? ज़ाद रोल नंबर टू, आप अनम्यूट कीजिए और अपना वीडियो भी ऑन कीजिए। आप बताइए, बाकी बच्चे म्यूट पर रखेंगे, आप बताइए कि किस वजह से एयर जो है वो पोल्यूट हो जाता है? फैक्ट्रीज और कार्स के बावजूद और क्या वजह है जिसकी वजह से जो एयर है वो पोल्यूट हो जाता है, जिससे आलूदगी हवा में मिक्स हो जाती है? वेरी गुड। आप बता सकते हो बच्चों को कि जो वो स्मोक है वो किस वजह से, कैसे एयर के साथ मिक्स हो जाता है, किस में से स्मोक निकलता है? तरीका बताइए, स्मोक कहाँ से निकलता है? चलिए आप म्यूट पर रखिए। ठीक जवाब आपने दिया, जो स्मोक है वो धुआं होता है, जब हम कोई चीज जलाते हैं उस वजह से स्मोक जो है वो उठता है और जो एयर है वो पल्यूट हो जाता है, ठीक है। और एक वजह है, मैंने आप लोगों को बोला था, जब हम झाड़ू मारते हैं झाड़ू करने से भी जो डस्ट है वो उठता है और जो हमारा एयर है वो खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है और जर्म्स जो फिर उस डस्ट में होते हैं वो हवा के साथ मिक्स हो जाता है और फिर अगर हम वही एयर इनहेल करते हैं और उस वजह से फिर हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। अब आज आपको पढ़ना है पेज नंबर 69, तो मैं पढ़ूंगी और साथ साथ आपको मीनिंग बोलूंगी। सब बच्चे म्यूट पर रखेंगे और आप ध्यान से सुनेंगे। हियर आर सम वेज, मुझे कॉल किया उसको क्लास ही ज्वाइन नहीं हो रही है। बेटा जिसको क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है उसकी कोई नेटवर्क इशू है, तो बच्चा आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए, आप लोग म्यूट पर रखिए, तो आप ध्यान से अब सुनिए। तो कल हमने पढ़ा कि किस तरह से एयर जो है, किस तरह से हवा जो है वो गंदा हो जाता है, पल्यूट हो जाता है, ठीक है। अब हम आज देखेंगे कि जो ये एयर है हम किस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, जिससे कि जो हमारा एयर है वो पल्यूट ना हो। तो यहाँ पर लिखा गया है, हियर आर सम वेज टू कीप द एयर क्लीन। पहले है प्लांट ट्रीज, फिर है डू नॉट कट ट्रीज, फिर है यूज रिसाइकल्ड पेपर, और फोर्थ है वॉक इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हीकल। कहते हैं अगर हमें हवा को साफ रखना है, आलूदगी उसमें मिक्स ना हो जाए, तो उस चीज के लिए हमें क्या करना है, हमें बहुत ज्यादा पेड़ बोने हैं, ठीक है, थीके? हमें प्लांट्स जो है वो बोने हैं, प्लांट करने हैं, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पेड़ पौधों से हरा भरा रहे, और जो अगर हमारे इर्द गिर्द आलूदगी होती है जो प्लांट्स है वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं, उस आलूदगी को, उस डस्ट को वो एब्जॉर्ब करते हैं और हमारा जो एयर है वो फ्रेश रहता है, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर आप जंगलों में जाओगे तो वहां पर हमें क्यों लगता है कि बहुत ही ताजी हवा होती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, और जो वो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, वो इस आलूदगी को, जो भी पोल्यूटेड एयर होता है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, और जो वहां पर फिर हवा होती है वो फ्रेश रह जाता है, ठीक है। इसके बाद लिखा गया है डू नॉट कट ट्रीज, हमें ट्रीज को काटना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर हम प्लांट्स काटेंगे, ट्रीज काटेंगे, फिर कौन करेगा ये डस्ट जो है या बाकी पॉइजनियस गैसेस होते हैं उन सब चीजों को कौन एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर हम प्लांट्स काटेंगे तो हमारा जो एयर है वो फ्रेश नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, कम से कम पेड़ काटने चाहिए, पेड़ काटने की जरूरत भी हमें पड़ती है, हमें फर्नीचर बनाना पड़ता है, वुड की जरूरत हमें पड़ती है, लेकिन हमें फिर अगर हम एक पेड़ काटेंगे तो हमें
एक के बजाय 5 पेड़ बोने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमें फ्रेश एयर की जरूरत है तो हमें खाली प्लांट्स को काटना नहीं है, हमें प्लांट्स को क्या करना है, उनको बचाना है, उनको सेव करना है और ज्यादा ज्यादा प्लांट्स जो है वो हमें बोने हैं। और यूज रिसाइकल्ड पेपर, रिसाइकल्ड पेपर मतलब हमें जो कागज होते हैं, जो हमारे घर में एक्स्ट्रा कागज होते हैं, हमें वो किस तरह से इस्तेमाल करने होते हैं ताकि हमें पॉलिथीन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जो पॉलिथीन है उससे भी हमारा जो एयर है वो भी पल्यूट होता है, क्योंकि अगर हम उसको जलाते हैं पॉलिथीन को, उसमें से पॉइजनियस गैसेस निकलते हैं, ठीक है, थीके? वो भी एयर के साथ मिक्स हो जाता है और हमारा एयर जो है वो पल्यूट हो जाता है। और अगर हम रिसाइकल्ड पेपर, पेपर हम किसको बोलते हैं, जिस पर आप लिखते हो, कागज जो होता है, न्यूज़पेपर होता है या बहुत सारे पेपर्स होते हैं घर में अवेलेबल, अगर हम इस तरह से उनको इस्तेमाल करेंगे या अगर हम कागज रद्दी वाले को वो देंगे, वो क्या करते हैं फिर, वो फैक्ट्रीज में ही फिर जो पेपर्स है, पेपर्स के बैग बनाते हैं। पेपर बैग्स भी आपने देखे होंगे, हमें पेपर बैग्स यूज करने चाहिए इंस्टेड ऑफ पॉलिथिन बैग्स, ठीक है, क्योंकि जो पॉलिथिन बैग्स है अगर हम उनको जमीन में गाड़ेंगे भी तो उससे क्या होता है, हमारा सॉइल जो है वो भी पल्यूट होता है। तो बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमारा एयर भी पल्यूट होता है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पल्यूट हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, मैं थोड़ा इलाबोरेट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो इसीलिए हमें पेपर्स यूज करने चाहिए, कौन से पेपर्स, जो कि जिस पर हम लिखते हैं, कागज जो होते हैं या वो रद्दी वाले को, मैंने आपको इससे पहले भी बोला हमें वो कूड़े रद्दी वाले को देना चाहिए, उनको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे भी पेपर बैग्स बनते हैं और जो पेपर बैग्स है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर हम पेपर बैग्स में कोई खाना भी रखेंगे और फिर वो खाना खाएंगे भी, उससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि जो ये पेपर है ये भी प्लांट से ही बनता है, ठीक है। लेकिन जो पॉलिथीन है वो क्या होता है, वो प्लास्टिक होता है, वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। अगर आप कभी जलाओगे एक छोटा सा पॉलिथीन, थोड़ा सा, थोड़ी सी आग आप उसमें दोगे तो आपको क्या लगेगा, सीधे मतलब इतनी गंदी स्मेल उसमें से निकलती है और फिर वही धुआं जो है उसमें से, जो वो स्मोक होता है वो मिक्स हो जाता है एयर के साथ और फिर वही एयर हम यूज करते हैं, इनहेल करते हैं, इंसान तो बीमार हो जाएगा ही ना। आजकल भी हम क्या सुनते हैं ज्यादातर, अरे उसको चेस्ट में प्रॉब्लम है, उसको खांसी है, उसको मतलब ऐसे ऐसी बीमारियां भी आज आई है, कैंसर्स है, लंग में हो जाता है, चेस्ट में हो जाता है या बाकी पार्ट्स में होता है, बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स आती है, वो किस वजह से होता है, वो इसी पोल्यूटेड एयर की वजह से होता है, ठीक है। अगर हमारा जो एयर है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो साफ रहेगा, आलूदगी से साफ रहेगा, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और इसमें लास्ट वाला पॉइंट इन्होंने दिखाया है, वॉक इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ व्हीकल, हमें चलना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हीकल, बजाय कि हम क्या इस्तेमाल करें, जो व्हीकल्स है, अगर व्हीकल्स हम बोलते हैं गाड़ियों को, जैसे हमारे पास स्कूटर होता है, हमारे पास गाड़ी कार होती है, ठीक है, या बसेस होती है। कभी क्या होता है, अब जिनके पास ये स्कूटर्स वगैरह होते हैं, सब बच्चे म्यूट पर रखेंगे, किसी बच्चे ने अनम्यूट रखा है, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। तो क्या होता है, किसी को जाना होता है बाजार से कुछ लाने के लिए, 2 कदम तक वो निकालता है स्कूटी, वो निकालता है बाइक, जो कि सही नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर चलना भी होगा वॉकिंग डिस्टेंस पर, कोई चीज आपको लाने जाना होगा तो आपको चलते चलते जाना चाहिए, हमें गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं। हाँ जी बेटा, साइकिल, यस जी बेटा, आप जो साइकिल है वो इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई भी पेट्रोल डीजल जो है हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जिसमें से भी पेट्रोल डीजल या किसी भी चीज का ईंधन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, हमको वो क्या करना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए। और अगर कहा गया है, जैसे कि गवर्नमेंट ने, मैंने आपको परसों भी बोला, बसेस है, अगर हमें उन्हीं बसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो बस है उसको तो जाना ही जाना होता है कि नहीं, उसमें एक गाड़ी में 30-40 लोग आ जाते हैं। अब लेकिन आज क्या करते हैं, एक घर में 4 बंदे होते हैं और
चार बंदों के पास पांच व्हीकल्स होते हैं, स्कूटर्स होते हैं, गाड़ियां होती है, वो क्या करते हैं, वो बसेस में नहीं जाते हैं, वो अपना ही जो वो बस गवर्नमेंट ने डाली होती है, जो प्राइवेट भी धुआं निकलता है उसमें से भी पेट्रोल जो है वो यूज होता है, निकलता है ना उसमें से भी धुआं, अगोवत टाइम गाड़ियों, और फिर जब हम जो हम अपना इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास अपनी अपनी गाड़ी होती है, एक गाड़ी में दो इंसान पहुंचेंगे, तीन इंसान भी पहुंचेंगे, एक फैमिली पहुंचेगी, लेकिन हम क्या करते हैं, एक एक बंदा एक एक गाड़ी निकालता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा पेट्रोल यूज होता है, ज्यादा डीजल यूज होता है, और जो हमारा आयर है वो पल्यूट हो जाता है, बस में से भी निकलता है, स्कूटर में से भी निकलता है, तो हो गया ना एयर ज्यादा पोल्यूट। अगर खाली हम एक ही बस इस्तेमाल करेंगे तथ मजबातन वारिया नफर, मगर ना सो आसान बस खाली करान सह गाड़ मज ग सह कड़ान पन स्कूटर बेसान कॉलेज गह कड़ान पन बाइक बेसान बेक जाए गड़ान पन गाड़ गफर एक एक आदमी एक एक बंदा एक एक पर्सन एक एक व्हीकल का इस्तेमाल करता है, जिससे ज्यादा पेट्रोल जलेगा, जिससे ज्यादा जो है एयर वो पल्यूट होगा। तो हमें इन सब चीजों पर अगर कंट्रोल करना है, अगर हमें अपना एयर जो है वो कंट्रोल में रखना है, फ्रेश रखना है, ताकि ज्यादा पोल्यूशन हो, तो हमें गाड़ियों का इस्तेमाल कम ही करना है। अगर हम किसी जगह पर चलते चलते जा सकते हैं, हमें क्या मजबूरी है कि हम गाड़ी निकाले, हम स्कूटर निकाले, हम बाइक निकाले, हम तो चलते चलते भी जा सकते हैं ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो वॉकिंग डिस्टेंस पर जो चीजें हमें लानी होगी, तो हम वहां पर अपने फुट का इस्तेमाल करेंगे, या आप साइकिल भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि साइकिल में हमें किसी भी किस्म का जो ईंधन है वो हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और हमें पेपर जो है पॉलिथिन बैग्स के बदले हमें कौन से पेपर्स इस्तेमाल करने चाहिए, जो पेपर है वो हमें यूज करना चाहिए, पेपर बैग्स यूज करने चाहिए। अगर आप लोगों को, चलिए मैं आप लोगों को आज एक एक्टिविटी देती, आपके पास पुरानी नोटबुक्स होंगी, अगर किसी के घर में न्यूज़पेपर्स भी होंगे, तो आप लोग क्या करोगे, कम से कम पांच पॉलिथिन बैग्स आप बनाओगे, उसमें खाली आपको एक तो पेपर का इस्तेमाल करना है और स्टेपलर का इस्तेमाल करना है। स्टेपलर तो सबके घर में अवेलेबल होता है, अगर स्टेपलर भी नहीं है, आप ग्लू स्टिक से भी वो जो पेपर बैग है वो बंद कर सकते हो और बना सकते हो। तो मैं कल मैं देखूंगी, ठीक है, कल मैं आप लोगों का देख, पेपर बैग बनाओ, पेपर बना सकते हैं, आपको आप ऐसा बनाना जो कि आप फिर यूज भी कर सकते हो, उतना छोटा मत बनाओगे कि फिर वो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, छोटा, आप बड़े बड़े बनाओगे अच्छे खासे, जिसमें आप कोई चीज रख सको, और उसमें क्या बनाना है, क्या बनाना है, पेपर बैग यस। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे हाउ टू मेक अ पेपर बैग, तो वहां पर आपको सीधे निकलेगा कि किस तरह से पेपर बैग बनाना है, ठीक है। खाली आपके घर में जो न्यूज़पेपर्स होंगे या पुराने पेपर्स होंगे, पुरानी कॉपीज होगी, उससे आप बहुत सारे पेपर बैग्स बना सकते हो, और पॉलिथिन जो है वो आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को? Yes, ma'am. Am I audible? Mm-hmm. Okay, yes, ma'am. यहाँ पर कुछ बच्चे अब आ रहे हैं। आप अगर यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर MI है, तो यहाँ पर क्या बनाई गई है, फैक्ट्री बनाई गई है, नंबर टू पर ट्री है, नंबर थ्री पर कार है, नंबर फोर पर साइकिल है कि नहीं। तो यहाँ पर कहा गया है, हियर आर सम थिंग्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज मेक द एयर अनक्लीन बाय पुटिंग अ सर्कल अराउंड देम। तो आपको क्या करना है, उन चीजों को सर्कल करना है, जो चीजें क्या करते हैं, जरा प्लीज बेटा आप म्यूट पर रखिए सब बच्चे। तो आपको क्या करना है, खाली उन चीजों को सर्कल करना है जो हमारा एयर जो है अनक्लीन रखते हैं, बनाते हैं, जो हमारे एयर को डर्टी बनाते हैं, ठीक है। एक फैक्ट्री है और ट्री है और व्हीकल बनाई गई है, यहाँ पर कार है और है साइकिल। कोई भी बच्चा स्क्रीन को टच नहीं करेगा, हजार बार मैंने बोला, तो मैं रेड कलर से जिसको सर्कल करूंगी,
ठीक है, तो दो चीजें जो हमारे माहौल को, हमारे एयर को पल्यूट करते हैं, पहला है फैक्ट्रीज, इसको आप सर्कल करोगे क्योंकि फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है, वो डर्टी स्मोक होता है और एयर के साथ मिक्स हो जाता है, सब बच्चे सर्कल करेंगे, इसको बनाएंगे। और दूसरा है कार, क्योंकि कार में से भी क्या निकलता है, स्मोक निकलता है क्योंकि इसमें पेट्रोल जलता है। ठीक है, मैंने बोला ना स्क्रीन को कोई टच नहीं करेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हजार बार मैं बोलती हूँ डोंट टच द स्क्रीन, डोंट टच द स्क्रीन। तो आप सब बच्चे अपनी बुक पर क्या करेंगे, इन दो चीजों को सर्कल करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक एक करके सबकी बुक चेक करूंगी, मैं देखूंगी सही चीजों पर आपने सर्कल किया है कि नहीं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, डिड यू नो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या आपको पता है जो एयर है, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय प्लांट्स, प्लांट्स हेल्प मेक द एयर क्लीन, हमें प्लांट्स को बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि जो प्लांट्स है वो हमारे माहौल को, हमारे एयर को, हमारे एनवायरमेंट को क्या करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। इससे पहले मैंने आपको बहुत बड़ी एग्जांपल्स दी कि किस तरह से जो प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं डस्ट को और क्या करते हैं, हमारा जो एयर है उससे फिर साफ रहता है। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम। ओके, चलिए सब सब बच्चे अपना फोन जो है, अपना कैमरा जो है, अपनी बुक की ओर रखेंगे और मुझे दिखाइए एम आई कि आपने सही सर्कल किया है इन दो चीजों को कि नहीं। ठीक है, और सब मैं दिखाऊंगी, सब बच्चे रखिए, जिस जिसका मैं देखूंगी तो मैं बोलूंगी। महरीन आपका मैंने देखा ठीक है, आपका क्लियर नहीं। अदीबा बेटा आप क्यों बार बार बोलती बात करती हो, मैं एक एक करके सबका देख रही हूँ ना, जिस जिसका मैं देखूंगी मैं यहाँ से नाम बोलूंगी कि किस किस का मैंने चेक किया। वेरी गुड, आपका कीप क्वाइट, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा, सब रखो म्यूट पर। अहमद आपकी मैंने बुक चेक की, वेरी गुड। सालिक आयान सजद आपकी बुक कहाँ है, बुक रखिए सामने, मैंने बोला ना बुक की और वीडियो रखिए सब। अकील जैद आपका भी देखा ठीक है, अदीबा आपका भी देखा ठीक है। आयत आपने किया, आप लेट आई क्लास में बेटा, आपने लेट ज्वाइन किया, आप फैक्ट्री और कार को सर्कल कीजिए। हाजिम वेयर इज योर बुक, मैंने किया सर्कल। सालिक आपका भी ठीक है, अदीबा आपका मैंने चेक किया सर्कल, मैंने किया सर्कल। मैम मैंने सनान अली पढ़ा, मुझे लास्ट में करना चाह रही है। मैंने किया सर्कल, आयत का भी किया, मैं मुझे लास्ट में करना चला है। कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा, मैंने कितनी बार बोला आपको, मैं देख रही हूँ सबका और मैं नाम भी बोल रही हूँ। आयमन आपका वीडियो मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं चल रहा है। मुझे आप करा, मैं मुझे आप करा चल रहा है। सनावर बेटा मुझे पता है बेटा, कोई बात नहीं, कल जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं फिर से बताऊंगी आपको कि आज हमने क्या पढ़ा। फिलहाल आप पेज नंबर 69 पर जो एम आई है, मैं मुझे फैक्ट्री और कार जो है उसको सर्कल कीजिए। मैं मुझे यही नंबर सेंड करो, मुझे दूसरा नहीं। आयमन जरा आप दिखाओ बुक, सब बच्चे बुक दिखाएंगे। हाँ आयान आपका मैंने चेक किया ठीक है, चलिए जी ऑलमोस्ट सब बच्चे की बुक मैंने चेक की, सब बच्चों ने ठीक किया है। आयत बेटा फैक्ट्री और कार है, इस मेरा देखिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम, जरा बेटा मेरी बात सुनो। आयत आपने आपने 1 और 3 जो है उसको सर्कल किया है, आपको पूरी पिक्चर को सर्कल करना है। ये जो फैक्ट्री है ना उसको आप सर्कल कीजिए पूरा, ठीक है, पिक्चर को सर्कल कीजिए, खाली 1 और 3 नंबर को सर्कल नहीं करना है। हाँ जी बताइए, कौन बोल रहा था, बताइए क्या बात है।
मैम मेरा चेक कीजिए मैम। अकील आपका ठीक है मैंने ये सनावर टेल सनावर बताइए क्या बात है मैम। मैं मुझे यही दिख रहा है मुझे वो रानी दिख रहा है हाँ अच्छा आपको क्या दिख रहा है। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मैम इसके पास दूसरा नंबर था वो हमें बंद हो गया है। अच्छा अब ये इस नंबर से दे रहा है इसको काम वाम जब भेजते इसको आता ही नहीं है जो नंबर जो जूम है ना जूम पर नंबर से यहाँ पर ऐड नहीं होता है। जूम पर आप किसी भी नंबर से ज्वाइन कर सकते हो लिंक यहाँ पर लिंक होती है वो लिंक आप किसी भी नंबर से ज्वाइन कर सकते हो ठीक है। और यहाँ पर पासवर्ड देना होता है अगर आपको काम भेजते हो इसको आता ही नहीं वो इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि व्हाट्सएप पर आपने ये नंबर जो है ये अपडेट नहीं कराया है। आप अब एक काम कीजिए आप मेरे नंबर पर ये नंबर सेंड कीजिए ठीक है। जो नया नंबर है वो मैं फिर इसको ग्रुप में ऐड करूंगी ठीक है। ठीक है थैंक यू। चलिए डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। अब मैं आज की क्लास यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। हैव अ नाइस डे अहेड अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.